राम राम भाई सारा ने एक बार फिर से मंजीत अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए हरियाणा की प्रमुख खबरें लेके हैं 10 अप्रैल 2024 की। चलो अब शुरुआत करते हैं। निशान सिंह के खिलाफ एकजुट हुई जेजेपी, नेता बोले फूफा की तरह हर 6 महीने में रूठते हैं प्रदेशाध्यक्ष। कुकलाना रैली में सीएम से सवाल पूछने जा रहे किसानों को हिरासत में लिया, काले झंडे लेकर पहुँचे थे किसान। गांव बुढ़ाना में बीजेपी जेजेपी के नेताओं की नो एंट्री के पोस्टर वायरल, दोनों पार्टियों को बताया किसान विरोधी। जजपा में लगे इस्तीफों की झड़ी, प्रदेशाध्यक्ष के बाद विधायक जोगीराम ने कहा अलविदा। सीएम सैनी बोले कांग्रेस ने भारत को जोड़ा नहीं बल्कि तोड़ा है, न्याय शब्द का प्रयोग करने का हक नहीं। जजपा इनेलो के एक होने की संभावना, अजय चौटाला ने दिए संकेत का आम, साथ आने को तैयार हैं। देर रात को बदला शेड्यूल, फतेहाबाद में 11 की रैली में सीएम की जगह आएंगे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल। सरसों बेचने वाले 1800 किसानों के खाते में 23.5 करोड़ रुपए का भुगतान। वंशिका और कुशल ने जीता मिस एंड मिस्टर फेयरवेल का खिताब। खेल अकेदमी के लिए 121 आवेदन, चुनाव के बाद होगा आवेदन। रोहतक में बॉलीवुड की अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा के आने के बाद लगी भीड़, बिना अनुमति के लगाया सड़क पर टेंट। रेखा चित्र प्रतियोगिता में भारत रहा प्रथम। कल अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे मुख्यमंत्री भगवत मान और राज्यसभा सांसद संजय सिंह। किसान नेताओं ने हरियाणा सरकार को 16 तक का दिया अल्टीमेटम, नहीं तो रोकेंगे रेल। दीपेंद्र हुड्डा बोले भाजपा जजपा नेताओं को गांव में घुसने से रोकने की बजाय लोकसभा में जाने से रोके। पार्टी छोड़ रहे नेताओं पर आया दुष्यंत का बयान, बोले चुनाव के समय आना जाना लगा रहता है। सनराइज हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 2 रन से हराया, शशांक आशुतोष ने खेली आतिशबाजी। हरियाणा सिविल जज भर्ती प्राथमिक परीक्षा का रिजल्ट जारी। यूपीएससी इंजीनियरिंग सेवा मुख्य परीक्षा की तिथि जारी। डिप्टी डायरेक्टर स्टेज 2 भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी। तो ये थी कुछ प्रमुख खबरें जो हम आपके लिए लेके आए थे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।